द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियों के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि राजस्थान के बाद अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान में मतलब फरीदाबाद का अरावली की पहाड़ी शुरू होती है जो राजस्थान बॉर्डर पर टच करती हैं, वहीं से इंडियन डेजर्ट्स का एरिया शुरू हो जाता है। इट इज़ अ सैंडी प्लेन कवर्ड विद अ सैंड ड्यून्स, सैंडी प्लेन है, रेतीली भूमि होती है और सैंड ड्यून से कवर है। दिस रीजन इज द मेनली रिसीव लेस रेनफॉल बिलो 15 mm पर ईयर, बहुत ही कम रेनफॉल होती है, 15 mm पर ईयर से भी कम रेनफॉल होती है। मेजर एरिया इज कवर्ड बाय बार्चन्स, क्रैकन शेफ डेन्यूज, बार्चन्स यानी कि रेत के टिलों को बार्चन्स कहा जाता है। लूनी इज द ओनली रिवर इन द रीजन, लूनी नदी इस रीजन के अंदर बहने वाली नदी है जो ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों के समय में सूख जाती है। फिर हम बात करेंगे द कोस्टल प्लेन्स, भारत के समुद्री तटों की। द पेनिनसुलर प्लेटू इज द फ्लैंक्ड बाय द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स विच रन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। द वेस्टर्न कोस्ट डिवाइडेड इंटू, वेस्टर्न कोस्ट डिवाइडेड है बेटा कंकन में, कन्नड़ प्लेन में और मालाबार कोस्ट में। कंकन में आता है मुंबई गोवा का एरिया नॉर्थन स्ट्रेच में, कन्नड़ प्लेन के अंदर आता है सेंट्रल स्ट्रेच, मालाबार कोस्ट के अंदर आता है साउथर्न स्ट्रेच। द ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइडेड इंटू टू प्लेन, नॉर्थन सर्कल एंड साउथर्न, नॉर्थन एरिया एंड साउथर्न एरिया। थैंक यू।